हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप भी एसेंचर में अपने 13 मई और 15 मई की इंटरव्यू रिजल्ट का वेट कर रहे हो और अभी तक आपके पास कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो गाइस मैं आपके लिए इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप सबको पता होगा कि कल और परसों 2 से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास इंटरव्यू रिजल्ट आ चुके हैं, उसके बाद जो आगे का उनका प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। लेकिन आप लोग में से जो जिनके पास नहीं आया है, उनके मन में एक डाउट है कि सर मेरे को क्या ये मेल आएंगे या मेरे को रिजेक्शन मिला आने वाले हैं। तो गाइज हम लोग इसके बारे में डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, तो गाइज उसको भी मैं इस वीडियो में क्वेश्चन को लूंगा और आपके रिप्लाई को क्लियर कर दूंगा, क्या आपके डाउट हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास दो दो बार ऑनबोर्डिंग के मेल आ रहे हैं, कुछ लोग के जो लोकेशन है उसके अपडेटिंग पर मेल आ रहा है, कुछ लोग के ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है एसेंचर के द्वारा। तो गाइज हम लोग इस पे भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो जो भी आपके डाउट होगा वो सब कुछ गाइस इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक देखना, और गाइस जो भी कुछ मैं बताऊं उसको गाइस पूरे ध्यान से सुनना ताकि जो मैं बताऊं वो समझ में आ सके आपको। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइस आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो गाइस आप इस चैनल पे आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइस सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप सबको पता होगा कि एसेंचर 13 मई के लिए, 14 मई के लिए और 15 मई के लिए इन्होंने इंटरव्यू रिजल्ट को आउट किया था। लेकिन गाइज उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास ये मेल रिसीव नहीं हुआ था। जो मेल आया था उसमें वर्क डे होम अकाउंट से रिलेटेड आया था, दूसरा टास्क से रिलेटेड आया था, इसके अलावा आपको रिएक्टिवेशन से रिलेटेड देखने को मिल गया था, इसके अलावा एक और मेल था वो भी आपको देखने को मिला था। लेकिन गाइज आप लोग में से जितने कैंडिडेट हैं जिनके पास मेल रिसीव नहीं हुआ, उनके मन में डाउट है कि सर मेरे पास ये मेल वगैरह नहीं आ रहे हैं तो क्या मेरा रिजेक्शन हो चुका है या अभी भी हमारा अभी कुछ होप है कि कुछ आगे हो सकता है। तो गाइज हम लोग एक एक यहाँ से कमेंट लेंगे और इसका जो अपडेट है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो कमेंट है गाइज कि इन्होंने बोला हुआ कि आई कंप्लीटेड माई इंटरव्यू ऑन 15 मई बट स्टिल आई हैव नॉट रिसीव एनी अपडेट फ्रॉम एसेंचर। तो गाइज अगर आपको अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कर लो, आपको कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आपके मन में ये डाउट हो कि आपका रिजेक्शन हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अभी अपने रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास इस टाइप के मेल देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग को भी जरूर जल्द से जल्द ये अपडेट देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा का दूसरा जो क्वेश्चन है कि आई गॉट वर्क डे मेल ऑन स्टरडे बट डिड नॉट रिसीव इन कॉन्ग्रेचुलेशन मेल, आई सेलेक्टेड और नॉट। तो गाइज मैं बता दूं कि अगर आपके पास वर्कडे का मेल रिसीव हो चुका है तो फाइनली आपका सेंचर में सिलेक्शन हो गया है, बस आप लोग वर्कडे होम अकाउंट क्रिएट करो, वहां से अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हो। अगर आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशन के मेल नहीं आए हुए हैं तो कोई बात नहीं है, जो मैंने 4 बताया हुआ है इसी में से कोई भी अगर आपके पास मेल आ जाता है तो आप लोग समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इस टाइप के मेल आते हैं तो आप लोग के जो भी ये सिलेक्शन है वो हो चुका है। तो गाइज आप लोग पीछे का वीडियो जाकर देख लो, वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है कि सर आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरव्यू ऑन 13 मई बट स्टिल नो एनी मेल आई हैव रिसीव्ड सो विल बी रिजेक्टेड और सिलेक्शन। तो गाइज अगर आपके पास अभी तक 13 मई के लिए इंटरव्यू रिजल्ट नहीं आया तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको कुछ दिनों में रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ना तो आप सिलेक्शन में हो ना तो आप रिजेक्शन में हो, आपके रिजेक्शन के भी मेल आ सकते हैं, सिलेक्शन के भी मेल आ सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या उनकी जो परसेंटेज क्राइटेरिया है पास करने के लिए, वो सब वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। इसके अलावा गाइज आप लोग एक और क्वेश्चन है देख सकते हो, हाय बडी आई गॉट वर्कडे मेल सो आई एम सेलेक्टेड राइट, ऑल्सो डाउट इज देयर परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर एसेंचर। तो गाइज अगर आपके पास वर्कडे मेल अकाउंट से रिलेटेड मेल आ चुके हैं तो आपका एसेंचर में सिलेक्शन हो गया है, आप लोग सिलेक्टेड हो। अगर बात करें परसेंटेज क्राइटेरिया की एसेंचर के लिए तो हाँ कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू आपके रिजल्ट ये आउट करते हैं। इसके अलावा गाइज एक और कैंडिडेट है जिनका डाउट है जिसमें कि ये ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड भी पूछे हुए हैं, तो गाइज आप लोग देख सकते हो इन्होंने पूछा बोला हुआ है कि 27 फरवरी को इनका इंटरव्यू डन हो गया था, 14 मार्च को गॉट रीएक्टिवेशन मेल भी आ चुका था, 29 मार्च को गॉट वर्कडे प्रोफाइल मेल भी आ चुका था, गॉट BGV मेल भी आ चुका है, 25 अप्रैल को भी मेल आए हुए थे, 2 मई को इनका वार्म वेलकम मेल भी आ गया, 13 मई को गॉट सर्वे मेल भी आ, बट आई डिडंट गेट एनी अपडेट अबाउट ऑनबोर्डिंग, व्हेन विल आई एक्सपेक्ट माय ऑनबोर्डिंग। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको अगस्त में ही ऑनबोर्डिंग मेल आने वाली है। अगर आप 7 से
18 के बीच में एक से दो आपके अनबोर्डिंग मेल आने वाले हैं, जो कि उसमें आपके भी नाम हो सकता है। ये फेज वाइज अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये आप लोग अनबोर्डिंग मेल भेज रहे हैं, तो आप लोग के अगर उस बैच में नाम आ जाए तो आप लोग को इस डेट में एक और एक से दो अनबोर्डिंग डेट देखने को मिलने वाले हैं। तो ये गाइज आप लोग लिए सबसे बड़ी अपडेट मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ। तो गाइज आप लोग से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग उनकी अपडेट से रिलेटेड मेल आई थी, जिसमें जिनका 26 जून को ज्वाइनिंग होना था उनको एक्सटेंड कर दिया गया और बोला गया कि आने वाले महीनों में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इनकी लोकेशन की वजह से या अनफॉर्चुनेट सरकमस्टांसेस की वजह से इनकी जो आगे की जो ज्वाइनिंग था उसको ये एक्सटेंड कर दिए हैं। तो गाइज आपके ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये बस आपके ज्वाइनिंग लोकेशन को देखते हुए इस टाइप की चीज़ें ये कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी भी 26 जून को ज्वाइनिंग होने वाला था, अगर नहीं हुआ तो डोंट वरी, आप लोग कोई मेल भी नहीं करोगे तो अभी कोई बात नहीं है, वो खुद आपके पास मेल करेंगे किस डेट में अगला वो ज्वाइनिंग डेट देने जा रहे हैं। तो ये गाइज आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। इसके अलावा गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछो। तो चलिए गाइज आपसे मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।